आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। एलसीबी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब निर्माण अड्डे पर मारा छापा, 6 लाख से अधिक का माल जब्त, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरेगांव क्षेत्र में कुछ दिनों से किराए के मकान में केमिकल का उपयोग कर नकली देशी विदेशी शराब बनाकर चंद्रपुर व गढ़चिरौली जिले में बिक्री के लिए भेजी जाती है। इस तरह की गुप्त जानकारी मिलते ही हल्बी टोला खेत परिसर में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 19 फरवरी को रात के दौरान छापामार कार्रवाई करते हुए 6,74,000 रुपए के माल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गोरेगांव पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी की रात में हल्बी टोला के खेत परिसर में छापा मार कर एक मकान में 4 व्यक्ति नकली शराब बनाकर बोतलों में भरकर सीलिंग तथा लेबलिंग करते हुए मिले। इस दौरान हेमंत पद्माकर नामक व्यक्ति घटनास्थल से फरार हुआ, जिसको जल्द ही पुलिस ने धर दबोचा एवं नकली शराब बनाने की सामग्री, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स व अन्य सामग्री मिलाकर कुल 6,74,710 रुपए का माल जब्त किया गया। कार्रवाई में गोरेगांव निवासी हेमंत पद्माकर उम्र 42 वर्ष व कुराड़ी निवासी हनीफ रमजान शेख उम्र 42 वर्ष, मेहताब नादर खा पठान उम्र 38 वर्ष, नजीर इसराइल सैयद उम्र 23 वर्ष, आसिफ अली सवाल शाह सैयद उम्र 30 वर्ष, इन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गोरेगांव पुलिस थाने में धारा 328 सह धारा 65 ईफ 67-83 महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक तेजेंद्र मेश्राम कर रहे हैं। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में एवं स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बबन आवाहड़ के नियंत्रण में पुलिस उपनिरीक्षक तेजेंद्र मेश्राम, अभय सिंह शिंदे, सहायक फौजदार काबगते भैंस करपे, पुलिस नायक रेखलाल गौतम, चित्र रंजन कोडापे, तुलसीदास लुटे, नेवालाल भिलावे, मुरली पांडे, पुलिस नायक दीक्षित दमाहे, धनंजय शिंदे, प्रभाकर पालनदुरकर एवं उनकी टीम ने की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।